नमस्कार, मैं हूं शिवानी। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। ऐसा कहा जा रहा था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ अपनी बैठक के बारे में पहलवानों ने उन्हें अंधेरे में रखा, इसलिए किसान नेता नाखुश हैं। इसलिए उन्होंने पहलवानों से अपना समर्थन वापस लेने का फैसला किया है। लेकिन भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने जोर देकर कहा कि उन्होंने पहलवानों से अपना समर्थन वापस नहीं लिया है और उन्होंने केवल पहलवानों के अनुरोध पर WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 9 जून के प्रदर्शन को स्थगित किया है। ओडिशा ट्रेन दुर्घटना के कारणों पर विभाग के अंदर ही सहमति नहीं बन पा रही है। बालासोर में हुए हादसे पर संयुक्त जांच रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वालों में शामिल एक वरिष्ठ रेलवे इंजीनियर ने असहमति नोट दिया है। जांच रिपोर्ट में दुर्घटना के लिए सिग्नल की विफलता को जिम्मेदार ठहराया गया था। अधिकारी ने एक डेटा लॉगर रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के लिए मुख्य लाइन लेने के लिए सिग्नल हरा था, न कि लूप लाइन पर जाने के लिए। बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवान पिछले काफी वक्त से आंदोलन कर रहे थे। लंबे समय के बाद सरकार पहलवानों से बातचीत के लिए तैयार हो गई है, इस बात की जानकारी केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी है। खेल मंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि सरकार पहलवानों से उनके मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार है। मैंने एक बार फिर पहलवानों को इसके लिए आमंत्रित किया है। बिहार के लाल वीरेंद्र यादव ने भाला फेंक प्रतियोगिता में इस बार राष्ट्रीय स्तर पर इतिहास रच डाला। जमुई के खैरा प्रखंड अंतर्गत डुमरकोला गांव निवासी साधारण किसान परिवार के वीरेंद्र ने अंडर 16 में यह कामयाबी हासिल की है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया के साथ हुई बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया है। सरकार ने देश भर की 2000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानी पैक्सो को जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने बच्चे के डीएनए टेस्ट पर अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पति पत्नी तलाक की कानूनी लड़ाई में बच्चे को मोहरा नहीं बना सकते। कोर्ट ने कहा कि बच्चे को माता पिता का प्यार दुलार पाने की खुशी का अधिकार भी प्रभावित होता है। भारतीय मूल के दिग्गज प्रोफेशनल अजय बंगा ने पिछले हफ्ते ही विश्व बैंक प्रमुख के रूप में अपना 5 साल कार्यालय शुरू किया है। बंगा के विश्व बैंक का अध्यक्ष बनने के बाद वैश्विक विकास दर को लेकर पहले अनुमान जारी किए गए हैं। इस रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर विकास दर घटने और मंदी की सख्त चेतावनी दी गई है। इसी के साथ ही विश्व बैंक ने भारत के लिए भी विकास दर में कटौती कर दी है। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अपने अनुमान को घटाकर 6.3% कर दिया है। वर्ल्ड बैंक ने साल 2023 की ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को घटाकर 2.1% कर दिया है, जबकि साल 2022 की इकोनॉमिक ग्रोथ 3.1% देखने को मिली थी। इसका मतलब है कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ इस साल पिछले साल के मुकाबले 1% कम हो जाएगी। देश में सरकारी छुट्टियों को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है। चर्चा में खास तौर से मध्य प्रदेश है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में परशुराम जयंती पर सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया था। कुछ लोग इसे राजनीति से प्रेरित निर्णय मान रहे हैं तो कुछ लोग इसे जरूरी बता रहे हैं। इसी माह की शुरुआत में भोपाल गौरव दिवस के मौके पर शिवराज सिंह चौहान राजधानी में स्थानीय अवकाश का ऐलान कर चुके हैं। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह ने महाराणा प्रताप जयंती पर अनिवार्य अवकाश का ऐलान किया था। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे रेसलर्स और केंद्र सरकार के बीच गतिरोध टूटने के आसार बनते दिख रहे हैं। बृजभूषण पर यौन शोषण तक के आरोप लगे हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से रेसलर्स को दिए गए बातचीत के प्रस्ताव पर साक्षी मलिक की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि हम सरकार की ओर से दिए गए प्रस्ताव पर अपने सीनियर्स और समर्थकों से चर्चा करेंगे, सबकी ओर से सहमति मिलेगी तभी हम बातचीत करेंगे। बिहार के भागलपुर पुल हादसे के बाद बिहार सुल्तानगंज में अगवानी घाट पुल के डिजाइन को मंजूरी देने वाले अथॉरिटी इंजीनियर की भूमिका पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। जिस कंपनी के पास अगवानी घाट पुल की जिम्मेवारी थी, उसने डिजाइन को किस आधार पर अपनी मंजूरी दी, इसे भी जांच के दायरे में रखा जा रहा है। बता दें कि अगवानी घाट पुल के अथॉरिटी इंजीनियर फर्म के पास बिहार के कई प्रोजेक्ट के काम हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी NGT की एक समिति ने प्रदूषण को लेकर UP, बिहार, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और दिल्ली को महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की एक समिति ने इन राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों को सार्वजनिक परिवहन से डीजल वाहन को पूरी तरह से हटाने का सुझाव दिया है। NGT ने इन राज्यों को सार्वजनिक परिवहन के लिए CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल पर जोर देने को कहा है। उन्होंने इसके लिए इन राज्यों को इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने को भी कहा है।
दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला को केंद्र सरकार फिलहाल कोई रियायत देने की मंशा नहीं है, लेकिन राज्य सरकार अपनी तरफ से छूट देने के लिए स्वतंत्र है। आपको बता दें कि समाचार एजेंसी पीटीआई के एक रिपोर्ट के अनुसार टेस्ला भारतीय बाजार में अपने कदम रखने को लेकर काफी दिलचस्पी दिखा रही है और लंबे समय से ये अपने यूनिट्स को पूरा करने की कोशिश कर रही है। ओडिशा के बालासोर में हुई दर्दनाक ट्रेन दुर्घटना के पीड़ितों के परिजनों को तत्काल वित्तीय सहायता देने के लिए बीमा कंपनियों ने पहल की है। बीमा कंपनियों ने दावों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का गाइडलाइन जारी किया है। इनमें मुख्य रूप से LIC, SBI, लाइफ, बजाज अलियंस, जनरल इंश्योरेंस सहित कई बीमा कंपनियां हैं। अगर आप किसी रोजगार की तलाश में हैं और अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी। जी हाँ, कम निवेश पर आप भी हर महीने 50,000 रुपए तक कमा सकते हैं। सहकारिता मंत्रालय की तरफ से पैक्स समितियों को जन औषधि केंद्र खोलने की मंजूरी दी गई है। यहाँ पर दवाएं और चिकित्सा उपकरण सस्ती दर पर मिलते हैं। सहकारिता मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया है कि देश भर में 2,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली के एम्स के ई सर्वर पर बीते दिन दोपहर को साइबर अटैक की खबर मिली है। इस वजह से कई घंटों तक एम्स का सर्वर ठप हो गया। शाम को करीब 7:30 बजे एम्स की साइबर सिक्योरिटी टीम ने इस अटैक को विफल कर दिया। एम्स की ओर से इस संबंध में आधिकारिक बयान दिया गया है। एम्स के अनुसार दोपहर के समय 3 बजे एम्स के ई हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर के सर्वर पर मालवेयर की समस्या सामने आई थी। इसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा पर असर पड़ने लगा। इस दौरान मरीजों के डेटा में किसी तरह की सेंध नहीं लगी है। भारत में किसानों की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है जितनी की होनी चाहिए। यही वजह है कि यहाँ राज्य और केंद्र सरकारें किसानों के लिए आए दिन नई नई योजनाएं लाती रहती हैं जिससे उन्हें मदद की जा सके। ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये सरकार की ओर से दिए जाते हैं। यह योजना पूरे देश में लागू है, लेकिन अब इसी तर्ज पर एक और योजना एक राज्य सरकार ने शुरू की है जिसके अनुसार अब किसानों को हर साल 6,000 के बजाय 10,000 रुपये दिए जाएंगे। कर्नल सुचिता शेखर सेना सेवा कोर की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं जिन्होंने पूरी तरह से परिचालन उत्तरी कमान की आपूर्ति श्रृंखला के रखरखाव के लिए जिम्मेदार कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन की कमान संभाली है। बिहार भागलपुर पुल गिरने का मामला पटना हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। कोर्ट में दायर याचिका में याचिकाकर्ता ने मांग की है कि महासेतु ध्वस्त होने के मामले की स्वतंत्र जांच हो। जांच संबंधित विभाग के अधिकारी की बजाय हाईकोर्ट की सिटिंग जज या CBI से कराने की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश आगरा पुलिस ने पेशेवर चोरों का एक शातिर गैंग पकड़ा है। बेहद शातिर तरीके से गैंग के सदस्य पहले क्षेत्र में रेकी करते थे, इसके बाद सुने मकानों में वारदात को अंजाम देते थे। कोई शक न करे इसलिए जोमैटो की ड्रेस और कंधे पर बैग टांग कर निकलते थे। पुलिस ने गैंग के सरगना समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। DCP सिटी विकास कुमार ने बताया कि सिकंदरा क्षेत्र में लगातार 2 मकानों में चोरी हुई थी जिसमें कई लाखों की ज्वेलरी और नकदी लेकर चोर उड़े थे। 20 दिन में लगातार 2 बड़ी वारदात से स्थानीय पुलिस की भी नींद उड़ी हुई थी। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा भारत के साथ अमेरिका के संबंधों को दुनिया में सबसे बेहतर साबित करेगी। कर्ट कैंपेवल ने हडसन इंस्टीट्यूट थिंक टैंक को बताया कि भारत वैश्विक स्तर पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है बाबूलाल मरांडी, कुश कुमार यादव, नुनू कुमार गोलू, मोहम्मद सिकंदर कुमारी, संजना, मोहम्मद शाकिर हुसैन, मुकेश कुमार, जितेंद्र ठाकुर और अंशुप्रिया। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आप कभी साइबर फ्रॉड के शिकार हुए हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।